गौरव भाटिया बोलिए। देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं, चीमा जी यहाँ पे हैं, किसानों का प्रतिनिधि कर रहे हैं, तो मैं इनसे इतना ही कहूंगा। चीमा जी, आपका सम्मान हमारा सम्मान है, और इससे पहले भी आज तक से हम साथ में थे, बातचीत का दौर चल रहा है और जो भी हल निकलेगा वो बातचीत से ही निकलेगा। किसानों का सम्मान ये सरकार बढ़ाएगी, और 8 दौर क्या, 10 दौर, 11 दौर, 12 दौर बातचीत करनी पड़ेगी, तो ये सरकार प्रतिबद्ध है कि बातचीत करेगी। रोहित जी आप याद करिए, हमें कहा जा रहा है कि बातचीत 8 दौर करी, 9वें दौर 4 मसले थे, 2 मसले तो हल कर लिए हम लोगों ने, और इससे पहले एक सरकार थी जब उसके खिलाफ प्रदर्शन करो तो रामलीला मैदान में लाठी बाजी थी। दूसरी बात चीमा जी, देश में करीब 15 करोड़ किसान परिवार है। चीमा जी, हम लोगों का ये मानना है कि ज्यादातर किसान परिवार 14.5 करोड़ 14.25 करोड़ इस सरकार के साथ खड़े हैं, और कानून सभी के लिए लाया जाता है, एक समूह के लिए नहीं लाया जाता, ये देश का कानून है। लेकिन अगर आप जैसे कुछ संगठन हैं, आप हैं, जिसको कुछ कमियां लगती हैं, तो सकारात्मक रूप से हम बातचीत करेंगे और हल निकालेंगे। लेकिन हम उनकी भी आवाज है जो किसान अपनी खेती कर रहे हैं, जो इन कानूनों से खुश है, और ये बात आप भी जानते हैं कि कई संगठन ऐसे हैं, मेरे हाथ में मैं तस्वीर आपको दिखा दूं, ये राकेश टिकैत जी की एक बयान है, उन्होंने जब अध्यादेश आया तो कहा किसानों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। राकेश टिकैत जी यहाँ पे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तात्पर्य ये है कि कुछ लोग यू टर्न भी ले चुके हैं, कुछ लोग इसलिए भी खुश नहीं है कि उनका हित नहीं है, लेकिन 15 करोड़ किसानों का हित है। और कल की बातचीत सकारात्मक हो इसके लिए आपको भी आवश्यकता है कि कुछ चीजें ताकत से ना जीती जा सके, स्वभाव में मिठास से जीत ली जाती है, और सरकार जो है विनम्र सरकार है, संवेदनशील सरकार है, आप बातचीत खुले मन से करिए, रास्ते तो खुद खुल जाएंगे। अरे हाय हाय मोदी के नारे लगाने वाले शर्जील इमाम जैसे लोग आपके प्रदर्शन में घुस रहे हैं, ये आपको भी चाहिए, जो ट्रैक्टर में सोफा लगा के बैठे थे और इटली में बीज लेने गए हैं, अभी तक लौटे नहीं है, उनके भ्रमजाल में मत फंसिए। बस ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, विनती करूंगा, गुजारिश करूंगी। चीमा जी, कोई बहका रहा किसानों को क्या? क्योंकि सरकार ने पीछे भी कई बार ये बात कही है, ये आरोप लगाया है कि किसानों को गलत दिशा में भड़काया जा रहा है, क्या कोई भड़का रहा है किसानों को? चीमा जी, आवाज आ रही है चीमा जी आप तक? शायद चीमा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, वापस कनेक्ट करते हैं, उन तक पहुंचे, उसके पहले